Hello, this particular video is about chapter 3, human reproduction, and this is the part 4 of the video. Part 1, 2 and 3 I have already uploaded on my channel. For that you can check the description link is provided there. You can like, share and subscribe to my channel if you find the video informative, and also press the bell icon to remain updated about my latest videos. So let's start the chapter. फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. देखिए यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है. देखिए जो ओवम होता है, ओवम का जब फ्यूजन होता है किसके साथ, स्पर्म के साथ में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है. ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद द जायगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. अब देखिए जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है, इट ट्रैवल्स इन दिस मैनर, इट इज़ पिक्ड अप. यहाँ से ये पिकअप हो जाता है, किया जाता है किसके द्वारा, ये जो फिम्बरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो इन्फेंडिबुलम का पार्ट है, उनके द्वारा जो ओवम है वो यहाँ से कलेक्ट किया जाता है और फिर वो ट्रैवल करता है कहाँ, एम्प्यूला में. जब ये एम्प्यूला में पहुँचता है और यहाँ पर थ्रू द पीनस द सीमेन इज डिपॉजिटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. तो यहाँ से सीमेन में जो स्पर्म होंगे वो ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचेंगे फेलोपियन ट्यूब में, एम्प्यूलरी रीजन तक पहुँचेंगे, और एम्प्यूलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है. मतलब जो ओवम रिलीज हुआ है ओवरी से, और करेक्टली मुझे ओवम वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, मुझे सेकेंडरी ओसाइट वर्ड यूज़ करना चाहिए. आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं पहले आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ओवरी से ओवम नहीं बल्कि सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है, और सेकेंडरी ओसाइट जब स्पर्म के साथ में फ्यूज होती है तब जाकर उसका डिविजन कम्प्लीट होता है, तब वो ओवम फॉर्म करती है फर्टिलाइजेशन के बाद में. ठीक है, तो ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट जब रिलीज हुई और इधर से स्पर्म्स ट्रैवल करके आए हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे एम्प्यूलरी रीजन में. दिस इज दैट पर्टिकुलर रीजन एम्प्यूला. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और फिर जायगोट इधर ट्रैवल करेगा. ओके, जायगोट इट वुड ट्रैवल थ्रू द इस्थमस. अब जायगोट के अंदर क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगा. क्लीवेज क्या होता है, जायगोट के अंदर जो सेल डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं क्लीवेज. अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो जायगोट के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है वो माइटोसिस हो रहा है, लेकिन नॉर्मल माइटोसिस से ये थोड़ा डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है और दोनों सेल्स ग्रो होती हैं, फिर दो से चार सेल्स बनती हैं, फिर वो ग्रो होती हैं, फिर वो डिवाइड करती हैं. लेकिन जायगोट में जो डिवीजन हो रहा है, जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है जायगोट में, उसमें सेल डिवाइड तो कर रही है लेकिन वो अपना साइज इंक्रीज नहीं कर रही है. इसलिए जायगोट के अंदर जो सेल डिवीजन होता है उसको, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम क्लीवेज कहते हैं. ठीक है, तो जायगोट के अंदर क्लीवेज हो रहा है, सेल डिवीजन हो रही है, दो सेल्स बनी, दो से फिर टू से फिर फोर सेल्स बनेंगी, फोर से एट सेल बनेंगी, एट से सिक्सटीन सेल बनेंगी. इस तरह से जब सिक्सटीन सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, एट टू सिक्सटीन सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, उस स्टेज में हम कहते हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं कि ये मॉरुला है. मॉरुला वर्ड आता है मलबरी से. मलबरी आपको पता होगा, शहतूत को कहते हैं मलबरी. तो उसको, उसके जैसा अपियरेंस होता है 8 टू 16 स्टेज में जब होता है एम्ब्रियो, तो इसलिए हम इस स्टेज को नाम देते हैं मॉरुला स्टेज. ओके, फिर मॉरुला में फिर से फर्दर डिवीजन होता है, फिर ब्लास्टुला बनता है. ब्लास्टुला में क्या होता है, जो ब्लास्टुला की जो सेल्स होती हैं वो अपने आप को पेरीफरी पे अरेंज कर लेती हैं और बीच में एक कैविटी बन जाती है. उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील. दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील एंड द सेल्स आर कॉल्ड एज द ब्लास्टोमियर्स. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिस्ट. ओके, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट. लेट मी रिवाइज इट वंस अगेन. पहले जायगोट का स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ, कहाँ पर, एम्प्यूलरी रीजन में. जायगोट बना, जायगोट में डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, जायगोट में जो सेल डिवीजन होगा उसे क्लीवेज कहते हैं. क्लीवेज हुआ,
एक से दो, दो से चार, चार से आठ सेल्स बनी। सेल्स का फॉर्मेशन तो हो रहा है, सेल्स डिवाइड तो कर रही है, लेकिन उनका साइज नहीं इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इस डिविजन को हम क्लीवेज कहते हैं। पहले 8 to 16 सेल स्टेज जब पहुंचेगा डिवाइड करके जायगोट, तो उस स्टेज को हम कहते हैं मोरुला स्टेज। फिर उसके बाद उसमें फर्दर डिविजन होगा और स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज में जो ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं अपने आप को पेरीफेरी में अरेंज कर लेती हैं, और बीच में जो कैविटी बनती है उसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर है ब्लास्टुला, या फिर इसको हम ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, ये क्या करेगा, ये ट्रैवल करके जब यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा यूट्रस में, तो ये अपने आप को यूट्रस की वॉल से अटैच कर लेगा। यूट्रस की वॉल कौन सी, सबसे अंदर वाली जो वॉल है यूट्रस की, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम की वॉल से अपने आप को अटैच कर लेगा, और एम्ब्रियो का जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वो यहीं पर होगा, एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच होने के बाद में। ठीक है, अब देखते हैं बुक में थ्योरी क्या लिखी हुई है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग समझिए पहले। फर्टिलाइजेशन कहते हैं जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, और इम्प्लांटेशन कहते हैं जो ब्लास्टुला है या ब्लास्टोसिस्ट है वो अपने आप को जब यूट्रस की वॉल से अटैच कर लेता है, उस अटैचमेंट के प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि ब्लास्टुला हैज़ इम्प्लांटेड इट्सेल्फ। ब्लास्टुला ने अपने आप को इम्प्लांट कर लिया है, या इम्प्लांटेशन हो गया है ब्लास्टुला का। ठीक है, अब देखिए ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, कॉप्यूलेशन मीन्स कोइटस, और वी कैन से सेक्सुअल इंटरकोर्स, सीमन इज रिलीज्ड बाय द पीनस इनटू द वजाइना एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ओके, ड्यूरिंग द कॉप्यूलेशन प्रोसेस द सीमन इज डिपॉजिटेड इन द वजाइना, इट इज रिलीज्ड इन द वजाइना एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म्स, अब देखिए स्पर्म्स मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्यों मोटाइल होते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास में टेल होती है स्विम करने के लिए, प्लस उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्विमिंग के लिए। तो मोटाइल स्पर्म्स जो होते हैं वो रैपिडली स्विम करते हैं, सर्विक्स के थ्रू पास करते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड एज द सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू पास करते हैं, फिर दे रीच द एंटर इन टू द यूट्रस, यूट्रस में एंटर करने के बाद फाइनली कहाँ पर पहुँचते हैं, वो एम्पुलरी रीजन में पहुँचते हैं जो कि फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। ओवम रिलीज बाय द ओवरीज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओवरी से ओवम जो रिलीज होगा वो भी एम्पुलरी रीजन में पहुँचेगा, और एम्पुलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। अच्छा, आप देखते हैं फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब एक साथ ओवम और स्पर्म दोनों एक साथ एम्पुलरी रीजन में मिले। इस रीजन में स्पर्म और ओवम एक साथ मिले तभी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल है। सपोज यहाँ पे स्पर्म तो एंटर कर गए लेट्स से, लेकिन ओवम प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए ओवम का और स्पर्म का एक साथ एम्पुलरी रीजन में पहुंचना जरूरी है, इसीलिए कहा गया है फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, तो फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब साइमल्टेनियसली या साथ साथ दोनों ही ओवम और स्पर्म एम्पुलरी रीजन में पहुंचे। और यही कारण है कि हर कॉपुलेशन जो है, सभी कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन में रिजल्ट नहीं करते हैं, मतलब हर एक कॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है या प्रेगनेंसी नहीं होती है, इसी कारण की वजह से। ठीक है, ओके, ये मैं बता चुकी हूँ, फर्टिलाइजेशन कहते हैं स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ज़ोना पेल्यूसिडल लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म्स। अब देखिए ज़ोना पेल्यूसिडल लेयर को याद कीजिए, यहाँ देखते हैं डायग्राम में, ये ओवम है, ओवम के चारों तरफ ये ज़ोना पेल्यूसिडा की लेयर है, ये वाली जो लेयर है ये आप देख रहे हैं ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर है, और ये पिंक कलर से जो आप देख पा रहे हैं ये है पेरीविटलाइन स्पेस, मतलब ज़ोना पेल्यूसिडा और ओवम के बीच में जो स्पेस है इस पिंक कलर से जो शो किया है, इसको हम पेरीविटलाइन स्पेस कहते हैं। और इसके चारों तरफ सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं ज़ोना पेल्यूसिडा के चारों तरफ, उनको हम कहते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। अब इसमें ये दिखाया गया है कि जो स्पर्म है ये इसका जो हेड पार्ट है, ठीक है, हेड पार्ट ये अपने आप को
इसके अंदर धंसा रहा है, जोना पेल्यूसिडा लेयर के थ्रू वो एग में ओवम में पेनिट्रेट करेगा। अब क्या होता है, जब सबसे पहला स्पर्म जब ओवम में पेनिट्रेट करता है तो उसके बाद ये जोना पेल्यूसिडा लेयर जो है ये ब्लॉक कर देती है, बाकी स्पर्म्स की एंट्री नहीं होने देती है। पहले स्पर्म की एंट्री के बाद ये जोना पेल्यूसिडा लेयर थिक हो जाती है और बाकी के स्पर्म्स की एंट्री नहीं होने देती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म ओवम के चारों तरफ जो लेयर प्रेजेंट है जोना पेल्यूसिडा उसके कॉन्टैक्ट में आता है और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्लॉक हो जाती है और एडिशनल स्पर्म्स उसमें एंटर नहीं कर पाते। इसकी वजह से ये चीज़ इंश्योर करती है कि सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे ओवम को, ऐसा नहीं हो कि ओवम में एक साथ कई सारे स्पर्म्स एंटर करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले स्पर्म की एंट्री के बाद ही मेम्ब्रेन ब्लॉक हो जाती है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हाउ द एंट्री ऑफ ओनली वन स्पर्म इज इंश्योर्ड इन द ओवम। तो ये आपका ये वाला जो पॉइंट है ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम। अब देखिए स्पर्म का स्ट्रक्चर याद कीजिए। स्पर्म के स्ट्रक्चर में जो हेड पार्ट है वहाँ पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है और मैंने बताया था एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं स्पर्म को ओवम के थ्रू पेनिट्रेट करने में, ओके। द सिक्रीशंस ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म इन एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ओवम के चारों तरफ जो जोना पेल्यूसिडा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा कौन, जो स्पर्म का एक्रोसोम पार्ट है उसके अंदर से जो एंजाइम रिलीज होंगे, ठीक है। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन। अब देखिए मियोटिक डिवीजन अब कंप्लीट होगी जब स्पर्म इसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। जब स्पर्म एंटर करेगा ओवम के अंदर तब ही जो मियोटिक डिवीजन है सेकेंड मियोटिक डिवीजन वो कंप्लीट होती है। और ये बेसिकली ओवम नहीं है, ये सेकेंडरी ओसाइट है। इस चीज़ को मैं डिटेल में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो सेकेंडरी ओसाइट का जो कंप्लीट डिवीजन जो होता है मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कब होता है, जब स्पर्म एंटर करता है सेकेंडरी ओसाइट में। अब ये भी देखने की बात है कि पूरा का पूरा स्पर्म एंटर नहीं करता है, यहाँ से सिर्फ स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो ही एंटर करता है सेकेंडरी ओसाइट में, ओके। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनईक्वल। अब देखिए सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी अनईक्वल होती है, इसके लिए थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। पहले मैंने आपको बताया था जो प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट से जब सेकेंडरी ओसाइट बनती है तो एक स्मॉल पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब उसी तरह से जब सेकेंडरी ओसाइट से ओवम का फॉर्मेशन होगा तब भी बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म ओवम के पास जाएगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट जो साइटोप्लाज्म का है वो ओवम के पास जाएगा ताकि उसको नरिशमेंट मिल सके और यहाँ पे फिर से एक स्मॉल पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनईक्वल। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन थी और ये वाली सेकेंड मियोटिक डिवीजन है, तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी अनईक्वल होती है जिसकी वजह से ये सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और हैप्लॉइड ओवम बनता है। हैप्लॉइड ओवम को हम ओटिड भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज द हैप्लॉइड ओवम एंड दिस इज द सेकेंड पोलर बॉडी, दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी, ओके। सोन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जायगोट। जब स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के या सेकेंडरी ओसाइट के न्यूक्लियस के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। आप देखिए जायगोट डिप्लॉइड बनेगा, ठीक है। जायगोट जो है वो डिप्लॉइड होगा क्योंकि उसके पास क्रोमोसोम्स जो हैं या न्यूक्लियस स्पर्म का भी प्रेजेंट है और ओवम का भी प्रेजेंट है, दोनों के फ्यूजन से बना है, तो इसलिए हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन से डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द जायगोट। जायगोट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46, ऑब्वियस सी बात है। ये तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए
क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स तो स्पर्म में थे और 23 क्रोमोसोम्स ओवम में थे, दोनों का फ्यूजन हुआ तो 46 क्रोमोसोम जायगोट में प्रेजेंट है। अब देखिए आगे हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है बेबी का। सेक्स डिटर्मिनेशन को समझ लिए, ये देखिए स्पर्म्स जो होते हैं आपको पता होगा कि बॉडी मेल मेल्स में जो नॉर्मल सेल्स होती है, हर एक सेल का जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है 22+XY, ठीक है, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, और वो 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, XY। और फीमेल्स के केस में, ह्यूमन फीमेल्स के केस में 22 पेयर, हर एक सेल में 22 पेयर ऑफ सेक्स सॉरी ऑटोसोम्स होते हैं प्लस 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, और वो 1 पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का वो होता है XX, ठीक है। अब देखिए क्रोमोसोम्स में, ये देखिए 22 पेयर है यहाँ पर, ये भी 22 पेयर है। अब देखिए जब भी फॉर्मेशन होता है स्पर्म का और ओवम का, आपको पता है कि जो मियोटिक डिवीजन होती है तभी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, या हम कह सकते हैं कि गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होगा तो वो कौन सी डिवीजन से पॉसिबल है, वो मियोटिक डिवीजन से ही होता है, जिससे कि क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाए हाफ में। तो स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, 22, ठीक है, यहाँ तो बॉडी सेल्स में 22 पेयर थे लेकिन स्पर्म में जाएंगे 22 क्रोमोसोम्स या 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम। कौन सा 1 सेक्स क्रोमोसोम, हाफ ऑफ द गैमेट्स या हाफ ऑफ द स्पर्म्स दे कैरी द एक्स क्रोमोसोम एंड अनदर हाफ, और बाकी के जो हाफ स्पर्म्स हैं उसमें जाता है वाई क्रोमोसोम। इसका मतलब 22 ऑटोसोम्स प्लस वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। लेकिन फीमेल के केस में तो दोनों ही जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेम हैं, तो उसमें फीमेल्स के केस में जो ओवम बनता है उसमें 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। सिर्फ एक ही टाइप की गैमेट्स बनती हैं जिसमें 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, कौन सा वाला, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखिए सपोज ये वाला क्रोमोसोम जो है, लेट्स से ये वाला क्रोमोसोम, इसका फ्यूजन अगर ओवम के साथ होता है तो क्या होगा, जो जायगोट बनेगा, अब जायगोट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, 22 यहाँ से 22 यहाँ से, तो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होंगे, ठीक है, प्लस यहाँ से स्पर्म से आएगा एक्स और यहाँ से भी आएगा एक्स क्रोमोसोम, तो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स, और इस कंडीशन में जो बेबी होगा वो क्या होगा, इट वुड बी अ फीमेल बेबी, ओके। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये वाला स्पर्म जो है, इफ़ इन केस इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ओवम, अगर ये ओवम के कॉन्टैक्ट में आता है और इसका फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और इस जायगोट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई कंडीशन किस में होती है, एक्स वाई कंडीशन होती है मेल्स में, ठीक है। तो जो बेबी होगा इस कंडीशन में, जो बेबी बनेगा वो होगा मेल। एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसको। ह्यूमन मेल्स के केस में दो टाइप के स्पर्म्स बनते हैं, 22 आधे जो स्पर्म्स होते हैं 50% उसमें होते हैं, 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम जो कि एक्स होता है, बाकी के जो 50% होते हैं उसमें 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है जो वाई होता है, ठीक है। लेकिन फीमेल के केस में दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम सेम होते हैं, एक्स होते हैं, इसीलिए एक ही टाइप की गैमेट बनेगी जिसको हम डिनोट करते हैं 22 प्लस एक्स से, 22 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम जो कि है एक्स। अब देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों में से किसी भी
स्पर्म, कोई सा भी स्पर्म, कोई सा भी टाइप का स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। अगर ये वाला स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल बनेगा, फीमेल बेबी। और अगर ये वाला स्पर्म जिसके पास वाई क्रोमोसोम है वो ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो मेल बेबी बनेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ द फादर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी एंड नॉट द मदर। ओके, अब देखते हैं बुक में टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न्स इन द ह्यूमन फीमेल इज एक्स एक्स एंड दैट इन मेल इज एक्स वाई। देयर फॉर ऑल द हैप्लॉइड गेमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम एक्स, वेयर एज इन द मेल गेमीट्स स्पर्म्स द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी आइदर एक्स और वाई। हेंस 50% ऑफ द स्पर्म्स कैरी द एक्स क्रोमोसोम वाइल द 50% कैरी द वाई। ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है। फीमेल के केस में सभी ओवम में एक्स क्रोमोसोम होगा और मेल्स के केस में 50% पे एक्स और बाकी 50% में वाई क्रोमोसोम होगा। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट्स द जायगोट वुड कैरी ईदर एक्स एक्स और एक्स वाई डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई फर्टिलाइज द ओवम। और फ्यूजन होने के बाद मेल और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होगा तो जायगोट बनेगा और जायगोट में या तो एक्स एक्स कंडीशन प्रेजेंट होगी या फिर एक्स वाई। वो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन किया है ओवम के साथ। ठीक है, जो जायगोट जिस जायगोट के पास एक्स एक्स होगा वो तो फीमेल बेबी बनेगा और जिसके पास एक्स एक्स कंडीशन होगा वो इट वुड डेवलप इन टू अ मेल बेबी। ओके, दैट इज़ वाई साइंटिफिकली हम ये कह सकते हैं, साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटर्मिंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। ठीक है, अब देखिए द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जायगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टूवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 6 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो जायगोट होता है, जायगोट जब फॉर्म हुआ है स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से, फिर उसके अंदर सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन मैंने बताया आपको, सेल डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। जो जायगोट के अंदर सेल डिवीजन होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्लीवेज। और जायगोट मूव करता है यहाँ से एम्प्यूला में, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद ये इस्थमस के थ्रू ऐसे मूव करता है। तो ये ऐसे मूव करेगा और 2, 4, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स बनेंगी और इन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, अब देखिए डायग्राम की हेल्प से समझिए। इस डायग्राम में बताया गया है कि यहाँ से ये देखिए टर्शी फॉलिकल शो किया आपको, यहाँ ग्राफियन फॉलिकल, और यहाँ से आपको ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होते हुए दिखाई गई है। ठीक है, ये ए जो पॉइंट है, ये देखिए डायग्राम आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है लेबलिंग के लिए। तो ए पॉइंट में आपको क्या दिखाया गया, इट इज़ शोइंग द रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, फिर देखिए बी पॉइंट में आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि स्पर्म्स हैं, बहुत सारे स्पर्म्स सेकेंडरी ओसाइट से अटैच्ड हैं और उसमें से सिर्फ एक ही एंटर कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस शो हो रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपको शो किया गया है। फिर उसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा और सी पॉइंट में आपको जायगोट में डिवीजन दिखाई गई है, दो सेल्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो जायगोट में क्लीवेज को शो कर रही है सी स्टेज। उसके बाद जायगोट में फिर फर्दर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ ई पॉइंट में देखिए मोरुला स्टेज आपको दिखाई गई है, फिर इसमें फर्दर डिवीजन होगा। ये जी पॉइंट जो है यहाँ पर, ये जो स्टेज है इसको हम कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज या फिर ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट एच पॉइंट में ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को यूट्रस की वॉल से अटैच कर रहा है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये आपको एच पॉइंट में दिखाया गया है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब ऊपर वाला डायग्राम देखते हैं, ये आपको सेकेंडरी ओसाइट दिखाई गई है, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बताया गया है और ये जायगोट के अंदर जो क्लीवेज दिखाई गई है, क्लीवेज हो रही है वो दिखाई गई है और ये मोरुला स्टेज है। अब इस चीज़ को देखिए ध्यान से, ई ए बी सी डी ई मोरुला बनी, मोरुला के बाद फिर फर्दर डिवीजन हुआ एफ स्टेज और उसके बाद बना फिर ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि जो ब्लास्टोमियर्स, जो यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स बने वो अपने आप को लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं, पेरिफरी, पेरिफरी मतलब चारों तरफ अरेंज कर लेते हैं और बीच में एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। ओके, और ये
जो अंदर वाली जो सेल्स होती हैं, दीज सेल्स दे आर कॉल्ड एज द इनर सेल मास, और पेरीफरी पे जो अरेंज्ड है सेल्स, इनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ये वाली जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। आप इसको यहीं पर मार्क कर लीजिए अपनी बुक में, दीज आर द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और ये जो सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स हैं यहाँ पर जो प्रेजेंट है, इन सेल्स को हम कहते हैं इनर सेल मास। ये मैं आपको पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं और ये इनर सेल मास है। अब देखिए, इनर सेल मास आगे जाकर क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे, और ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स हैं वो आगे जाकर एम्ब्रियो के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं उन मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, तो आप ये पहले आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम में ये जो बाहर वाली से लेयर है इसको आप मार्क करेंगे, दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट, दीज आर द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और इसको आप मार्क करेंगे कि ये इनर सेल मास है, और यहाँ पर आप लिखेंगे कि दिस इज द कैविटी विच इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। इट कैन कम एज वन मार्क और टू मार्क क्वेश्चन। आगे देखते हैं, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड मोरुला। मोरुला 8 to 16 ब्लास्टोमियर जब हो जाती हैं डिविजन के बाद, उसको हम मोरुला कहते हैं। मोरुला फिर फर्दर डिवाइड करता रहता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, और बीच में कैविटी बन जाती है, और ये ब्लास्टोसिस्ट मूव करता है यूट्रस की तरफ। यूट्रस की तरफ क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इसको यूट्रस की वॉल से ही अटैच होना है। ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट, ये चीज़ मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, ओके। The trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated in the embryo. तो trophoblast layer जो है वो attach करेगी endometrium के साथ, और inner cell mass वो differentiate होके embryo का formation करेगा, ठीक है। Attachment के बाद जो uterus की जो cells हैं वो divide करती हैं rapidly, और blastocyst को चारों तरफ से cover कर लेती हैं, और ब्लास्टोसिस्ट एक तरह से दब जाता है, धंस जाता है बिल्कुल एंडोमेट्रियम की वॉल में, ठीक है। यूट्रस की लेट्स से ये ब्लास्टोसिस्ट है, तो एंडोमेट्रियम की वॉल में एक तरह से वो बिल्कुल धंस जाता है, और इस प्रोसेस को ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, और इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। आगे देखते हैं हम प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, के एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपियर होती हैं ट्रोफोब्लास्ट में। यहाँ देखिए, लेट्स से ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट की ये बाहर वाली जो लेयर है, लेट्स से ये बाहर वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट है। ये जो बाहर वाली लेयर है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप होते हैं, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कोरियोनिक विलाए, और ये कोरियोनिक विलाए ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ओके। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपियर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाए विच आर सराउंडेड बाई यूट्रिन टिश्यू एंड मेटर्नल ब्लड। और ये जो कोरियोनिक विलाए हैं ये चारों तरफ से कवर्ड रहते हैं यूट्रस की टिश्यू से और मदर के ब्लड से, मटर्नल ब्लड से चारों तरफ से कवर्ड रहते हैं ये। द कोरियोनिक विलाए एंड द यूट्रिन टिश्यू बिकम्स इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मटर्नल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ब्लास्टोसिस्ट की जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है, वो इंटरडिजिटेट होती है मटर्नल टिश्यू के साथ, क्योंकि यूट्रस का जो टिश्यू है उसके साथ इंटरडिजिटेट हो रही है। इंटरडिजिटेट मतलब इस तरह से यूट्रस के टिश्यू के साथ बिल्कुल धसी जा रही है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन फॉर्म कर रही है, ठीक है। इस तरह से सपोज़ ये कोरियोनिक विलाए है और ये लेट्स से यूट्रस का टिश्यू है, तो इस तरह से ये इस चीज़ को हम कह रहे हैं कि ये इंटरडिजिटेट हो रही है। इंटरडिजिटेट मतलब ये आपस में एक दूसरे में धंस रही है।
और एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम प्लासेंटा कहते हैं, और प्लासेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लासेंटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मदर से कि यूट्रस से अटैच्ड होता है बिल्कुल, और वो बेबी को या ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, प्लस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स एम्ब्रियो की बॉडी में बनते हैं उनके रिमूवल का काम करता है। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा की हेल्प से ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है एम्ब्रियो को, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा और भी जो एक्सक्रीटरी या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू ही एम्ब्रियो की बॉडीज के से ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो मदर की बॉडी में। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू दैन अम्बिलिकल कॉर्ड। अब इस डायग्राम में देखिए आपको दिखाया गया है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दे हैव शोन यू हियर द प्लेसेंटल विलाय। प्लेसेंटा की विलाय आपको यहाँ पे शो की गई है। तो जो एम्ब्रियो होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा, उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है एम्ब्रियो। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा एम्ब्रियो प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। ये यूट्रस की कैविटी है, ये योग सैक है जो एम्ब्रियो के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं उनमें से ही उसी का पार्ट है ये, और इसका फंक्शन होता है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, और दिस इज प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। सर्विक्स में म्यूकस का एक प्लग फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बुक में थ्योरी क्या लिखी हुई है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है। आप एंडोक्राइन टिश्यू क्या होता है एक बार देख लेते हैं क्विकली। एंडोक्राइन टिश्यू वो होता है जहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन होगा। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन टिश्यू से कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG। ये चारों हार्मोन्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए टिप्स पर। प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टोजन्स। ठीक है, ओके। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी। जब लेटर स्टेजेस होती हैं प्रेगनेंसी की तो उस टाइम पर रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि डिलीवरी में हेल्प करता है, बेबी की डिलीवरी में हेल्प करता है। और कहाँ से सिक्रीट होता है ये इम्पॉर्टेंट है, ये ओवरी से सिक्रीट होता है, ये याद रखिए, कन्फ्यूज मत होइए, ये प्लेसेंटा से नहीं बल्कि रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी से सिक्रीट होता है। ठीक है, लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वीमेन ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये जो हार्मोन्स है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन जो कि ओवरी से प्रोड्यूस हो रहा है, और ये दोनों हार्मोन्स जो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस हो रहे हैं ये वीमेन की बॉडी में सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान और क्या चेंजेस आते हैं फीमेल की बॉडी में, क्या क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ईस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज हो जाती है, प्रोजेस्टोजेंस की लेवल इंक्रीज होती है, कॉर्टिजोल्स, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन इन हार्मोन्स की लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है मदर के ब्लड में। और क्यों होती है, क्योंकि इन सभी हार्मोन्स की ज़रूरत होती है फीटस की ग्रोथ के लिए, और मदर के अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इन सभी हॉर्मोन्स की ज़रूरत होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच हॉर्मोन्स आर एसेंशियल या विच हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मदर्स बॉडी ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड वाई दे आर प्रोड्यूस्ड। तो आंसर होगा ये कि दे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिजोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ठीक है, HCG, HPL, रिलैक्सिन, दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड वॉट इज देयर रोल,
दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर, नंबर वन दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर फीटल ग्रोथ, नंबर टू दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, एंड नंबर थ्री दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब देखिए इम्प्लांटेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो होता है, ये देखिए लेट्स से दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट ने अपने आप को इम्प्लांट किया था यूट्रस की वॉल में। अब इसमें सेल्स फिर फर्दर डिवाइड कर रही हैं, और सेल्स जो फर्दर डिवाइड करके जो इनर सेल मास अपने आप को फिर से डिवाइड कर रहा है, ये अपने आप को दो लेयर्स में अरेंज करता है। ठीक है, इन दोनों लेयर्स को का क्या नाम है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर क्या होता है, फर्दर इसमें फिर से सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं इसमें, फिर इसके दोनों लेयर्स के बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर बन जाती है, और उस लेयर को हम कहते हैं मीजोडर्म। ठीक है, ये बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ बन रही है, ये जब इनर सेल मास में डिविजन हो रहा है तब ये लेयर्स बन रही हैं। पहले बनी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बाद में बनी उन दोनों के बीच में कौन सी लेयर बनी, फिर मीजोडर्म, और यही तीनों लेयर्स आगे जाके आर, दिस इज मीजोडर्म हियर एंड दिस इज एंडोडर्म हियर, ओके, और यही तीनों लेयर्स आगे जाकर जो एम्ब्रियो है उसके सभी बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के ऑर्गन्स को का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अमीजोडर्म सून अपियर्स बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दीज थ्री लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज और ऑर्गन्स इन द अडल्ट। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि इनर सेल मास की कुछ सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी होती है किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को फॉर्म करने की। ठीक है, इसलिए हम उनको स्टेम सेल्स कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, जो इनर सेल मास है, ठीक है, इनर सेल मास कौन सा, याद कीजिए ब्लास्टोसिस्ट में जो इनर सेल मास था उसके अंदर एबिलिटी होती है, उसकी कुछ सेल्स के अंदर एबिलिटी होते हैं कि वो कुछ कोई भी टिश्यू या कोई भी ऑर्गन फॉर्म कर सकती हैं, और इसी पोटेंसी की वजह से या इसी एबिलिटी की वजह से उन सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर स्टेम सेल्स एंड वेयर दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखिए एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है, और इस ड्यूरेशन को हम जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, इस ड्यूरेशन को हम जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। फिर बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स? तो कैट्स में प्रेगनेंसी 58 to 67 days की होती है, डॉग्स में 58 to 68 days की होती है, और एलिफेंट में ये ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है, एंड इट लास्ट फॉर 22 months। ओके, अब देखिए ह्यूमन के एम्ब्रियो में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब ह्यूमन बीइंग में 1 month प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद एम्ब्रियो तब तक एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो जाता है, 1 month में एम्ब्रियो के हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद आप स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को आसानी से सुना जा सकता है जब 1 month की प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी जब होती है तो फीटस के लिम्स और डिजिट्स डेवलप होते हैं। लिम्स मतलब हाथ पैर और डिजिट मतलब उंगलियां। ठीक है, सेकेंड मंथ के एंड पर एम्ब्रियो के जो लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। अब देखिए बाय दी, ये देखिए ये जो आपको शो किया गया है ये है आप 1 month का एम्ब्रियो, एंड दिस वन इज द 2 months एम्ब्रियो। ओके, एट द एंड ऑफ 12 weeks
फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। अब देखिए 12 वीक्स के एंड पर, 12 वीक्स को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहते हैं। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। 9 मंथ्स में पहला 3 मंथ्स को हम कहेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरे 3 मंथ्स को हम कहेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर, और बाकी के 3 मंथ्स को, लास्ट के 3 मंथ्स को हम कहेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं। तो 3 मंथ्स मतलब 12 वीक्स के एंड पर क्या क्या चेंजेस आते हैं एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के लिम्स डेवलप हो जाते हैं और जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स भी डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपियरेंस ऑफ हेयर, मूवमेंट फीटस में मूवमेंट शुरू हो जाती है और सर पे, हेड पर हेयर अपियर होने लगते हैं 5th मंथ में, ओके। 24 वीक्स में क्या होता है, 24 वीक्स मतलब एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 6th मंथ के एंड में, या हम कह सकते हैं 24 वीक्स के एंड पे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये 24 वीक्स का फीटस है और ये है 5th मंथ का, ये फीटस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो 24 वीक्स के एंड पर बॉडी कवर्ड होती है फाइन हेयर से, बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेज, पलकें बन जाती हैं। और 9 मंथ, दिस यू कैन सी दिस इज द 9 मंथ एम्ब्रियो। 9 मंथ्स के कंप्लीट होने के बाद फीटस पूरी तरह से तैयार रहता है डिलीवरी के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके बारे में बताइए। तो आप इसी तरह से पॉइंट वाइज आप बताएंगे कि फर्स्ट मंथ में क्या होता है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपना आंसर। फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप होता है, फिर सेकेंड मंथ में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद क्या डेवलपमेंट होता है, फिर ये सारे पॉइंट्स आप बताएंगे अपने आंसर में। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बोर्ड में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन कहते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी को, ठीक है, और लैक्टेशन कहते हैं व्हेन द मदर फीड्स द बेबी ऑन हर मिल्क, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। जब मदर अपने मिल्क से फीड करती है अपने बेबी को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन, ठीक है। जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है 9 मंथ्स का, उस पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। और उसके बाद में 9 मंथ्स के बाद में जो यूट्रस होता है, यूट्रस में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और वही कॉन्ट्रैक्शंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं बेबी को या फीटस को एक्सपेल करने के लिए। एक्सपेल मतलब डिलीवर करने के लिए, टू डिलीवर इट आउट ऑफ द बॉडी, कॉन्ट्रैक्शंस, उसके लिए कॉन्ट्रैक्शंस यूट्रस में जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस को ही हम पार्चुरेशन कहते हैं, और चाइल्ड बर्थ को या डिलीवरी के प्रोसेस को ही पार्चुरेशन कहा जाता है। अब देखिए ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, अभी मैं बताऊंगी आपको, इस बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, इसे ध्यान से सुनिएगा। पार्चुरेशन जो है वो इंड्यूस होता है, इंड्यूस मतलब वो शुरुआत होता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म की वजह से। बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिसके जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेबी की डिलीवरी के लिए, पार्चुरेशन के लिए। सबसे पहला जो सिग्नल है डिलीवरी के लिए वो कहाँ से आता है, वो फुली डेवलप्ड फीटस से ही ओरिजिनेट होता है। फुली जब फीटस फुली डेवलप हो जाता है वो और प्लेसेंटा रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। यूट्रस के अंदर माइल्ड, माइल्ड मतलब हल्के कॉन्ट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं फुली डेवलप फीटस की वजह से और प्लेसेंटा की वजह से। इसी चीज़ को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस पे बोर्ड पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब इसकी वजह से जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ओके। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन
यूट्रस की मसल्स पे एक्ट करेंगे और यूट्रस की मसल में फिर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, और अब की बार जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी वो स्ट्रॉन्गर होंगी। पहले तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस थी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शंस अब स्ट्रॉन्गर होती जा रही हैं जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो रहा है। और ऑक्सीटोसिन जब प्रोड्यूस होता है वो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन को सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव फीडबैक भी कहते हैं। ये लेट्स से ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो रहा है मटरनल की पिट्यूटरी ग्लैंड से, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ये फिर एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे और सिग्नल भेजता है कि अभी और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होना है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी और बेबी इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द बर्थ कैनाल। बेबी वुड बी डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द मदर एंड थ्रू द बर्थ कैनाल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। ओके, सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। जैसे बेबी की डिलीवरी होती है उसके बाद जो प्लेसेंटा है वो भी बॉडी से एक्सपेल आउट, बाहर बॉडी से बाहर निकल जाता है। वॉट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? डॉक्टर्स क्या इंजेक्ट करते होंगे डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए? ऑक्सीटोसिन, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब डिलीवरी के बाद क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड्स में डिफरेंशिएशन होता है, या मेमरी ऐसे कह सकते हैं कि मेमरी ग्लैंड्स में ग्रोथ होगी और प्रेगनेंसी के एंड पर वो मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। और मदर अपने बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को अपने मिल्क पर फीड कराती है, और ये जो फर्स्ट मिल्क जो होता है स्टार्टिंग के जो कुछ दिनों में जो मिल्क आता है थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी होती है इसकी, इस मिल्क को हम कहते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इस पे भी बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। जो थिक मिल्क होता है थिक कंसिस्टेंसी का, जो कि डिलीवरी के कुछ दिनों बाद तक आता है, फर्स्ट फ्यू डेज तक आता है, उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। और वो बहुत रिच होता है एंटीबॉडीज़ में, स्पेशली IgA एंटीबॉडीज़ में, जो कि बेबी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कोलोस्ट्रम? ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। इसीलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं बेबी को हेल्दी रखने के लिए कि उनको मदर के मिल्क पर ही फीड कराना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और एंटीबॉडीज़ बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ओके, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन 4 वीडियोस, एंड यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक्स ऑफ ऑल द वीडियोस, एंड यू कैन ऑल्सो विजिट माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन्स दबाने से आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।